अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सना खान। गाइस, आज मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है उसका ऊपर का जो प्लक होता है वो टूट चुका है। और अभी सब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, मार्केट बंद है, ऑनलाइन भी बुक नहीं हो सकता है। अभी मैं क्या करूँ, हाथ में लेकर मुझे शूट करना पड़ रहा है, तो मेरे व्लॉग में अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या किया है, फिर मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं मैंने क्या क्या काम कर लिया है। चलिए तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। गाइस, यहाँ पे हमारा आटा आ चुका है। फाइनली 3 रोज़ के बाद हमारा आटा पिसकर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे अपने ड्रम में जो है पलटना स्टार्ट मैंने कर दिया है, ताकि सबको एक साथ रख दूँ। और हमारे यहाँ पे ना थोड़ी छोटी छोटी सी चूहियाँ हो रही हैं, तो इस डर की वजह से मैंने सोचा जल्दी से अभी से इसको पलट कर रख देती हूँ, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर कश्मकश में हूँ, क्योंकि मैंने ये चावल का आटा जो है पिसवाया था, तो मैं सोच रही थी डालूं या नहीं डालूं, बस यही था। तो बस मैंने एक ड्रम में ये पलट दिया है चावल का आटा, एक ड्रम में मैंने कर दिया है आटा, थोड़ा सा आटा बचा है वो मैं इसी के ऊपर रख लूँगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, चावल का आटा और गेहूं का आटा, तो बस यही था और कुछ नहीं है। तो चलिए फिर बस। गाइस, लंच में मैंने राजमा चावल बनाए हैं। अगर मेरी आपको राजमा चावल की पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए पुरानी वीडियोस पर, और वहां पे आपको मिल जाएगी। बस यही था, और आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई है, और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही थी। यहाँ पर मैंने सैलेड बना ली है और इस तरह से नहीं शूट कर पाई हूँ जैसे ट्राईपॉड से करते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ, तो बस ये आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आप प्रेस कर रहे थे, और वो सोच रहे थे, पता है क्या, वो ये सोच रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप हेल्प कर देता हूँ, तो वो खुद से ही करने बैठ गए थे। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, मैं पहले से ही परेशान थी इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पे ये थोड़ा सा उधड़ रहा था, तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, मैं सिल देती हूँ, और बस यही था। और अगर आपको मेरी स्टिचिंग की किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तुरपाई की, तो पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना कर रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और देख सकते हैं पूरी मैंने किस तरह से सिखाया है, और बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और मैंने सोचा सिलाई मशीन जो है अपनी साफ़ कर लेती हूँ, कल मुझे उसमें अपने कपड़े सही करने हैं और कुछ कपड़े कटिंग भी करने हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ट्राईपॉड की वजह से इस तरह से अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं बस यहाँ पे सिलाई मशीन को मैंने इस चीज़ से साफ़ करना शुरू कर दिया था, और बस काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं की थी, तो सोचा आज कर रख देती हूँ, और कल से अपना सिलाई स्टार्ट कर दूँगी। अपने ही कपड़े हैं, वैसे तो नहीं टाइम मिल पाता है, अब लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, तो इसलिए बस सोचा कि चलिए घर पर हूँ तो कर लेती हूँ, बस यही था। चलिए फिर इंजॉय कर लीजिए।
गाइज आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से शूट किया, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। हमारे यहाँ पे मंडी भी मतलब टाइम से पहले बंद हो रही है, और मैं ये जो आपको सामान दिखाया, मैं जो भी फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल लेकर आई हूँ, ये एक दिन के नहीं है, दो दिन में जाकर कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का अनाउंसमेंट है कि मंडी और सारी शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाएंगी, और कल भी मैं वापस आ गई थी और अभी भी मुझे लाइन में लगकर ये सब चीज़ें लेनी पड़ी। और मेरा आटा भी पिसकर आ चुका था, मैं समझ नहीं आ रहा, मतलब सारी मुसीबत एक साथ मेरे ऊपर आ गई है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं मेरा क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं जानती। आज मैं जिन प्रियंका मैम पाटकर मैम के बारे में बात कर रही हूँ, उनको बहुत 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 मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी वाइटी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत दिल से मुबारक हो कि उनको बेटा हुआ है। बस यही था, और बस इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और क्या कहते हैं, इतने मुश्किल वक्त में भी वो व्लॉग बनाती थी, तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और हम सबको इसी तरह से काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी उन मैम के लिए, उनके लिए और उनके बेबी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको जैसे मैंने बताया आज मेरा पूरा दिन कैसा रहा, तो वो सब चीज़ें, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, बस थोड़ा सा टेंस होते हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब बस यही था आज का, ठीक है ना। चलिए फिर चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं खैर में याद रखिएगा, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।